हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो में हम ब्लैक हैट सीओ टेक्निक्स, ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कौन कौन सी है ये स्टडी करेंगे। ये तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो ब्लैक हैट सीओ टेक्निक्स होती हैं वो मतलब इलीगल मेथड्स यूज करती है जो सर्च इंजन की गाइडलाइंस के अपोजिट होते हैं। बस इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि किसी भी बाई हुक एंड कुक जो है अपनी वेबसाइट का जो है रैंकिंग हाई की जाए। तो जिसमें सबसे पहला मेथड होता है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग मेथड में अननेसेसरी के बहुत सारे कीवर्ड्स डाल दिए जाते हैं वेबसाइट पे, कीवर्ड और फ्रेजेस जो है वेब पेजेस पे, ताकि आपकी जो वेबसाइट की इंडेक्सेस में वो कीवर्ड्स यूज़ हों और जो भी सर्च इंजन प्रैक्टिशनर्स हैं वो कीवर्ड डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि आपकी वेबसाइट की हाई रैंकिंग हो। तो जैसे कीवर्ड की जो डेंसिटी होती है 2-4% वो ऑप्टिमल कंसीडर की जाती है, और उससे ज़्यादा अगर आप इंक्रीज़ कर देते हैं तो ये जो है रीडर्स को इरिटेट करती है और जिससे आपकी जो रैंकिंग है वो अफेक्ट होती है। मतलब ये ब्लैक हैट टेक्निक है, ये रॉन्ग मेथड्स है। नेक्स्ट मेथड है क्लॉकिंग। क्लॉकिंग में क्या किया जाता है कि किसी भी जो है वेब पेज को इस तरीके से कोडिंग किया जाता है कि जो यूज़र है उसको तो कुछ और कंटेंट दिखाई देता है और जो मतलब सर्च इंजन है कुछ उसको कुछ और कंटेंट दिखाई देता है। तो जैसे मतलब उसके लिए अलग कंटेंट लिखा जाता है सर्च इंजन के लिए, और जो यूज़र को व्यू करने के लिए, विजिटर को व्यू करने के लिए अदर कंटेंट होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने गोल्ड प्राइस के लिए एक सर्च किया, बट वो गोल्ड प्राइस की बजाय आपको टूरिज्म की वेबसाइट पे लेके जाता है। वो इसीलिए लेके जा रहा है क्योंकि सर्च इंजन ने तो जो सर्च किया गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वेबसाइट्स को सर्च किया, तो सर्च इंजन के लिए जो विजिबल डेटा था वेब पेज पे वो गोल्ड प्राइस था, बट यूज़र के लिए जो है वो टूरिज्म की वेबसाइट है। नेक्स्ट है हिडन टेक्स्ट। कुछ जो है टेक्स्ट ऐसा यूज़ किया जाता है कि जो सर्च इंजन को सिर्फ विजिबल हो, रीडर्स को विजिबल ना हो, तो उसको हिडन टेक्स्ट कहते हैं। ये इररिलेवेंट कीवर्ड्स और लिंक्स को ऐड करने के लिए, कीवर्ड डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कीवर्ड डेंसिटी ज़्यादा करने के लिए और लिंक्स को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, ताकि जो सर्च इंजन है उसकी रैंकिंग उस वेबसाइट की हाई रखे और वो सर्च इंजन उसको मैक्सिमम टाइम्स जो है सर्च करें। तो इसमें जैसे कुछ इस तरीके की टेक्निक्स यूज होती है कि भई आपने फॉन्ट साइज 0 सेट कर दिया, या आपने वाइट बैकग्राउंड पे वाइट टेक्स्ट यूज़ कर लिया, तो वो टेक्स्ट जो है यूज़र को तो विजिबल नहीं होगा, बट वो टेक्स्ट जो है वो सर्च इंजन को विजिबल होगा। नेक्स्ट होता है डोरवे पेज। डोरवे पेज मतलब जैसा कि इसका नाम है कि किसी डोर से आप एंट्री करते हैं, तो ये जो डोरवे पेज होते हैं वो बहुत बेकार पुअरली रिटन पेजेस होते हैं, बट कीवर्ड्स में रिच होते हैं और इस पे किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती, बट ये यूजर्स को अनरिलेटेड पेज पे डायरेक्ट कर देते हैं, दूसरे पेजेस पे भेज देते हैं, इसीलिए इनको डोरवे पेजेस कहा जाते हैं। ये ब्लैक हैट सीओ प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं ताकि जो ट्रैफिक है उसको अनरिलेटेड वेबसाइट्स पे भेज सके। आर्टिकल स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब आप जानते हैं कि फिर से दोबारा घूमना, तो एक ही आर्टिकल को फिर से दोबारा रीराइट किया जाता है, कॉपी पेस्ट किया जाता है, डिफरेंट कॉपीज बनाई जाती है ताकि वो हमेशा एक न्यू आर्टिकल लगे और न्यू आर्टिकल रिपीट, और इसका जो कंटेंट है वो बहुत पुअरली रिटन और लो वैल्यू कंटेंट होता है विजिटर्स के लिए, और इनको रेगुलरली अपलोड किया जाता है ताकि इस तरीके का इल्यूजन हो कि फ्रेश आर्टिकल लोड हुआ है। तो ये होता है आर्टिकल्स स्पिनिंग। डुप्लीकेट कंटेंट में क्या है कि मतलब किसी दूसरी वेबसाइट का, इसको प्लैगरिज्म बोलते हैं, दूसरी वेबसाइट के कंटेंट को पब्लिश करना, दूसरी वेबसाइट के कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके पब्लिश करना। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देखिए, हम देख लेते हैं कि जो जो मैंने व्हाइट हैट ब्लैक हैट टेक्निक्स आपको बताई है। तो सबसे पहले कीवर्ड स्टफिंग।
जैसा कि नाम है, बहुत सारे कीवर्ड्स उसमें डाल देना। क्लॉकिंग, क्लॉकिंग में ये है कि सर्च इंजन को कुछ और कंटेंट दिखाई दे, विजिटर को कुछ और कंटेंट दिखाई दे। हिडन टेक्स्ट में क्या है कि कुछ टेक्स्ट हाइड करके रखा जाता है ताकि वो सर्च इंजन कुछ कीवर्ड्स ऐसे कि वो सिर्फ सर्च इंजन को विजिबल हो और सर्च इंजन उन कीवर्ड्स पे उसको सर्च कर ले पेज को, बट विजिटर्स के लिए वो विजिबल ना हो। डोरवे पेजेस होते हैं कि जो ऐसी पेजेस होते हैं जो अनरिलेवेंट पेजेस पे लिंक्स होते हैं, आपको दूसरे अनरिलेवेंट पेजेस पे लेके जाते हैं। आर्टिकल स्पिनिंग में क्या होता है कि उसी आर्टिकल को बहुत बार अपलोड कर दिया जाता है और मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज इस तरीके से की जाती है कि वो ये फ्रेश आर्टिकल दिखता है। और डुप्लीकेट कंटेंट में क्या है कि दूसरी किसी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके रखना। तो ये वीडियोस में मैंने आपको ब्लैक हैट टेक्निक्स ऑफ सीईओ ऑप्टिमाइजेशन मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ब्लैक हैट टेक्निक्स बताई, और इस एसईओ की कंप्लीट सीरीज देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।